अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफर चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन की सॉल्व पास पेपर की सीरीज़ में से लेवल ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। इससे पहले कि हम लोग इस डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये पास पेपर में कुछ इस तरह से पूछा गया था, एक्सप्लेन दी थ्री लेवल ऑफ डेटा प्रोसेसिंग विद रेलिवेंट एग्जांपल। ये 2015 का एनुअल है, 16 का एनुअल है, 14 के सप्ली है, 2023 का सप्ली है। देन व्हाट इज डेटा प्रोसेसिंग, एक्सप्लेन दी डिफरेंट लेवल ऑफ डेटा प्रोसेसिंग विद दी हेल्प ऑफ अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। ये बेटा जी 2018 में आया था और एक दफ़ा क्वेश्चन था डिफाइन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, डिस्कस दी लेवल ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। अच्छा जी मेरे बच्चों, बात करते हैं हम अपने पास कि अगर हम बात करें डेटा की, तो डेटा एक इनपुट है जो रॉ फैक्ट एंड फिगर का होता है, और ये इनपुट या ये जो डेटा है ये न्यूमेरिकल डेटा भी हो सकता है, अल्फाबेटिक भी हो सकता है, और अल्फा न्यूमेरिक डेटा भी हो सकता है। एंड इंफॉर्मेशन इज आउटपुट, और किसी भी प्रोसेस से होने के बाद जो प्योरीफाई शक्ल बनती है उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन, जो कि आउटपुट है ऑफ अ डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम, एक डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम की। डेटा इज इम्पॉर्टेंट बट इट कैन नॉट बी यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। जो मालूमात है इसकी बेस के ऊपर हम तब तक फैसला नहीं कर सकते जब तक कोई प्रोसेस ना परफॉर्म किया गया हो, इसलिए इट मस्ट बी कन्वर्टेड इंटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू यूज इट फॉर द डिसीजन मेकिंग। इसको डिसीजन मेकिंग में यूज करने के लिए इसको एक प्रॉपर ऑर्डर में से गुजरना बड़ा जरूरी है। अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द डेटा इंटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। और अगर हम इस प्रोसेस की बात करें जिसमें से डेटा जो है वो मीनिंगफुल फॉर्म में से बनता है, उसको हम लोग नाम दे देते हैं कि ये हमारे लिए प्रोसेसिंग है। सो ये डेट इज डेटा प्रोसेसिंग। तो डेटा प्रोसेसिंग क्या है, एक ऐसा अमल जिसमें डेटा को मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। अब डेटा क्या है, डेटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ठीक है, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको बताई है कि वो हमारे पास न्यूमेरिक डेटा भी हो सकता है, अल्फाबेटिक भी हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है। प्रोसेसिंग क्या है, कोई भी एक टूल है, एक तकनीक है जो हम डेटा के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं। और आउटपुट क्या है, जो किसी प्रोसेस का रिजल्ट है उसको हम आउटपुट कहते हैं। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करना चाहें, तो मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन आर स्टोर्ड एज डेटा। सपोज लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड हु गॉट ए ग्रेड इन एग्जामिनेशन, सम प्रोसेसिंग विल बी अप्लाइड ऑन द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, दिस प्रोसेस विल बी गिवन न्यू इंफॉर्मेशन। और वो जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे के जो नई शीट बना लेंगे उसको हम लोग नाम दे देंगे कि ये हमने डेटा प्रोसेसिंग की है, इन द फॉर्म ऑफ डिजायर्ड लिस्ट, जो हम लिस्ट बना लेंगे ये हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी। इन दिस डेटा प्रोसेसिंग द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट आर द इनपुट एंड द लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट विद ग्रेड ए इज द इंफॉर्मेशन डेट इज आउटपुट। और वो टूल, वो पैरामीटर, वो इंस्ट्रक्शन या वो फार्मूला जो हम लोगों ने उस शीट के ऊपर लगाया वो हमारे पास डेटा प्रोसेसिंग था। एक और एग्जाम्पल से हम देखते हैं, पीपल डिपॉजिट मनी इन द बैंक डेट इज स्टोर्ड एज डेटा इन रजिस्टर आर कंप्यूटर, के फलां बंदे ने इतने पैसे जमा करवाए हैं। सपोज द बैंक मैनेजर वॉन्ट टू नो द टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, के भाई बैंक में टोटल कितने पैसे जमा हुए। द टोटल अमाउंट कैन बी फाउंड बाय एडिंग ऑल द अमाउंट डिपॉजिट इन टू द बैंक। अब ये जितनी भी अमाउंट है अगर कैलकुलेटर से एक कैशियर कैलकुलेट करके देता है तो इसको हम कहते हैं मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में एक्सेल की शीट में इसको बिल्ड करके हम टोटल कर लें तो इसको कह देते हैं कंप्यूटराइज डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। और जो शीट बनी वो हमारे पास जो है वो आउटपुट है। इन दिस डेटा प्रोसेसिंग द अमाउंट ऑफ डिफरेंट पीपल इज डेटा एज इनपुट एंड सम ऑफ ऑल द अमाउंट इज द इंफॉर्मेशन, इसको आप नाम देते हैं आउटपुट। द डेटा ऑफ द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इज कलेक्टेड इन सेंसिस एंड स्टोर्ड परमानेंटली। मर्दमशुमारी हुई और लोगों का डेटा स्टोर किया गया। दिस डेटा कैन बी प्रोसीड फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज टू फाइंड आउट द लिटरेसी रेट ऑफ द कंट्री, टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ PhD इन द कंट्री, टू फाइंड आउट द पॉवर्टी लेवल इन द डिफरेंट एरिया ऑफ कंट्री। गवर्नमेंट यूज दिस इंफॉर्मेशन टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन, जैसा कि गवर्नमेंट में टेक स्टेप टू एलिमिनेट द पॉवर्टी
एंड इम्प्रूव द लिटरेसी रेट। तो ये हमारे पास उसके डिफरेंट यूजेज आ सकते हैं कि क्यों करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने पास लेवल ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। बेटा जी, डेटा प्रोसेसिंग के 3 लेवल हैं। एक को कहते हैं मैनुअल, एक को कहते हैं मैकेनिकल, और एक को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। मैनुअल को हाइब्रिड भी कहते हैं, सॉरी मैकेनिकल को हाइब्रिड भी कहते हैं। इसको जरा लेटर ऑन डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल, तो जरा और ज़्यादा अच्छा लगेगा। डेटा प्रोसेसिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन। ये एक अहम काम है जिसमें हम डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन की सूरत में कन्वर्ट कर देते हैं। इन दिस प्रोसेस डिफरेंट कैलकुलेशन आर परफॉर्म। मोस्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग इज डन यूजिंग कंप्यूटर नाउ अडेज। बिफोर कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग वॉज डन बाई सिंपल मशीन लाइक कैलकुलेटर। एवरीथिंग वॉज डन बाई ह्यूमन बींग मैनुअली बिफोर द कैलकुलेटर। और जब सब कुछ मैनुअली होता था कैलकुलेटर के सहारे के बगैर, तो उसको हम नाम देते थे मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग। देर आर 3 लेवल्स। फर्स्ट वन मैनुअल, सेकेंड वन इज मैकेनिकल, थर्ड वन इलेक्ट्रॉनिकल। फर्स्ट वन की बात करते हैं मैनुअल। मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग से हम मुराद ये लेते हैं कि सब कुछ बाई हैंड, ऑल टाइप्स ऑफ कैलकुलेटर जो है वो कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म की जाती है मैनुअली तौर पर। उसको डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। जैसा कि आप किसी एक दुकान पे जाते हैं तो आप कहते हैं अंकल जी मुझे बिल बना दें। आप उनको कहते हैं जी अब मैंने ये चीज़ें खरीदी हैं, तो वो चार पांच जो चीज़ें आपने बाय की होती हैं उसको एक खाली पैड के ऊपर लिखते हैं, आगे उसकी अमाउंट लिखते हैं और टोटल कर देते हैं बगैर कैलकुलेटर को यूज़ किए हुए। उसको कह देते हैं जी मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग। दिस टाइप ऑफ डाटा प्रोसेसिंग वॉज यूज बिफोर द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर एंड अदर मशीन लाइक कैलकुलेटर। सम स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन मे स्टिल यूज दिस टाइप ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। जिसकी एग्जाम्पल मैंने आपके गली मोहल्ले के कॉर्नर पे मौजूद जो करियाने की दुकान वाला है उसकी बात की। एग्जाम्पल, अ बुक सेलर रन हिज शॉप, ही सेल डिफरेंट बुक्स एंड गेट मनी फ्रॉम द कस्टमर ड्यूरिंग द डे। ही स्टोर द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन एंड डेटा इन अ रजिस्टर। ही मे वॉन्ट टू नो, वो चाहता है ये जान ले कि इसने पूरे दिन में पैसे कितने हासिल किए हैं, कितने कमाए हैं। वॉन्ट टू नो द इंफॉर्मेशन अबाउट एट द एंड ऑफ द टोटल बुक्स सोल्ड, टोटल प्रॉफिट ऑफ द डे 7, करंट स्टेटस ऑफ स्टॉक वगैरह वगैरह। तो ये सारा मैनुअली वो खुद चेक करता है। सेकेंड है जी मैकेनिकल। इसमें कुछ हद तक मैकेनिकल, कुछ हद तक कंप्यूटर, कुछ हद तक टूल, कुछ हद तक डिवाइसेज जो है वो यूज़ की जाती है, इसलिए उसको कहते हैं मैकेनिकल। इन मैकेनिकल डेटा प्रोसेसिंग डिफरेंट कैलकुलेशन आर प्रोसेसिंग आर परफॉर्म बाय मैकेनिकल मशीन लाइक कैलकुलेटर। द यूज ऑफ द मैकेनिकल मशीन मेक डेटा प्रोसेसिंग इजियर एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। द चांस ऑफ एरर आल्सो बिकम फॉर लेस मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग। इसमें हम लोग जो है वो बड़े बुक सेलर की बात कर लेते हैं। टू प्रोसेस ऑल द डेटा बाई हैंड द प्रोसेस कैन बिकम वेरी इजी एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग बाई यूजिंग अ कैलकुलेटर इंस्टेड ऑफ पेपर एंड पेंसिल। तो बजाय इसके कि वो पेपर और पेंसिल के जरिए उसकी कैलकुलेशन करें, तो वो कैलकुलेटर से कर लेता है। अच्छा जी, बात करते हैं जी लेवल 3 इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, जो मॉडर्न डेटा प्रोसेसिंग है। इन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग ऑल कैलकुलेशन एंड प्रोसेस आर परफॉर्म बाई कंप्यूटर। सारा कुछ कंप्यूटर की एक्सेल की शील्ड में होता है ऑलमोस्ट, और उस शीट में ही हम सारा काम कर लेते हैं। द डेटा इज गिवन टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर कन्वर्ट द डेटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय अप्लाइंग रिक्वायर्ड प्रोसेस। डिफरेंट सॉफ्टवेयर पैकेजेस जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आर फेमस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, वो इसके लिए हम यूज करते हैं। इट टेक फॉर लेस टाइम देन अदर डेटा प्रोसेसिंग। एग्जाम्पल है जी, सपोज देर आर 1000 स्टूडेंट इन द कॉलेज, द कॉलेज हैज टू मेंटेन ह्यूज वॉल्यूम ऑफ द स्टूडेंट डेटा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में आते हैं। अच्छा जी, इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, अक्सर क्वेश्चन में पूछ भी लेता है। इट इज़ मोर एफिशिएंट, ये एफिशिएंट है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, लार्ज डेटा को प्रोसेस कर लेता है, मोर रिलायबल है, फ्लेक्सिबल है, हम इंफॉर्मेशन को अपने डिज़ाइन स्टाइल के मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं, चांसेज ऑफ एरर बहुत कम है। अगर हम कंक्लूड करें तो जो डेटा प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन है ये डेटा को डिपेंड करता है कि किस तरह से हम लोग उसको प्रोसीड करवाना चाहते हैं। डेटा की प्रोसेसिंग डिसीजन मेकिंग के लिए ज़रूरी है। हम शुरू शुरू में मैनुअल करते थे, देन मैकेनिकल, और फिर बाद में हमें कंप्यूटर की बेस के ऊपर स्पीड, एक्यूरेसी और स्केलेबिलिटी की वजह से हमने इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग को यूज़ किया, जो कि सबसे अच्छी टाइप है। ले बच्चों, ये हमारे पास था क्वेश्चन जो कि हमने लेवल ऑफ डेटा प्रोसेसिंग पे किया। इंशाल्लाह एक और लेक्चर स्पेंड करेंगे, वो भी हमारे पास पास पेपर से मुतलका होगा इंशाल्लाह। उसमें हम लोग अपने पास टॉपिक डिस्कस करेंगे एक और वो टॉपिक है हमारे पास नेटवर्क से मुतलका, कि हमारे पास नेटवर्क से क्या मुराद है। आप देख सकते हैं ये भी पास पेपर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इंशाल्लाह हाजिर होंगे इस लेक्चर में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।